दो बैलों की कहानी, हीरा और मोती। झूरी के पास दो बैल थे, हीरा और मोती। देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील डॉल में ऊंचे। बहुत दिनों तक साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा सा हो गया था। दोनों एक दूसरे के मन की बात को समझ जाते थे। कभी कभी वे दोनों आत्मीयता की भाव से सींग भी मिला लिया करते थे। नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों एक साथ उठते, साथ नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। यदि एक मुंह हटा लेता था तो दूसरा भी हटा लेता था। इतना प्रेम था दोनों में। झूरी भी उन दोनों बैलों से बहुत प्यार करता था और उन्हें घास और चारा देता था। ये लो हीरा और मोती। एक दिन झूरी ने अपने बैलों को अपने साले गया को कुछ दिनों के लिए दे दिया। अरे जल्दी क्यों नहीं चलता? अरे चल दोनों। हीरा, ये हमें कहाँ ले जा रहे हैं? लगता है हमें बेच दिया गया है मोती, और अब हम अपने नए मालिक के घर जा रहे हैं। पर क्यों? मालिक को हमारी इतनी मेहनत से काम नहीं चलता था तो और काम करवा लेते। हमें तो मालिक की सेवा में मर जाना ही मंजूर था, लेकिन उन्होंने इस जालिम के हाथों क्यों बेच दिया? चल जल्दी चल, जल्दी चल। हीरा और मोती जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि झूरी ने दोनों को कभी मारा नहीं था। अंततः अपने नए घर पर पहुंचने में शाम हो गई। दिन भर के भूखे थे, लेकिन नाद में एक ने भी मुंह नहीं डाली। जिसे उन्होंने अपना घर समझा था, वो आज उनसे छूट गया था। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी, सब कुछ विचित्र लग रहा है मोती। यहाँ तो चारा खाने का मन ही नहीं कर रहा है हीरा। हाँ मोती, तुम ठीक कह रहे हो, यहाँ की सब कुछ बेगाने से लग रहे हैं। तो चलो खूंटा तोड़कर अपने पुराने घर लौट चले। जोड़ लगाओ हीरा। और दोनों की एक झटके से ही रस्सी टूट गई। भाग हीरा भाग। तू भी भाग मोती। जल्दी जल्दी भाग मोती, जल्दी भाग मोती, जल्दी जल्दी भाग, भाग मोती, भाग मोती, भाग। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा हीरा और मोती दोनों चरनी पर खड़े हैं। अहा, मेरे हीरा और मोती लौट आए दोनों। और झूरी ने दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। हीरा और मोती के लौट आने का समाचार फैलते ही गांव के लड़के जमा हो गए, तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। अरे वाह, क्या बात है, हमें दोनों पशुओं का सम्मान करना चाहिए। ये लो रोटियां खाओ, ये गुड़ भी ले लो। अरे ऐसे बैल किसी के पास ना होंगे। हाँ हाँ, इतनी दूर से दोनों अकेले ही चले आए। ये बैल नहीं, उस जन्म के आदमी रहे होंगे। परंतु झूरी की पत्नी यह सब देखकर जल भुन गई। कैसे नमक हराम बैल हैं, एक दिन भी वहाँ काम नहीं किया और भाग खड़े हुए। नमक हराम क्यों कहती हो? चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते? अरे हाँ हाँ, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, बाकी लोग तो पानी पिला पिला कर रखते हैं। इन काम चोर को सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, समझे? यह कहकर झूरी की पत्नी वहाँ से चली जाती है। तब झूरी ने अपने नौकर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देते हो? अरे ना ना, मालकिन मुझे मार भी डालेगी। अरे उसे पता ही नहीं चलेगा। अरे ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं के जैसे कहोगे। अगले दिन झूरी का साला गया फिर आया बैलों को ले जाने के लिए। इस बार उसने दोनों को गाड़ी में जोता। हीरा, मैं चाहता हूँ गाड़ी को खाई में ढकेल दूँ। नहीं मोती, ऐसा करना ठीक नहीं है। हीरा, तुम मुझे कुछ करने ही नहीं देते हो। अरे जल्दी क्यों नहीं चलता? चलते चलते शाम हो गई। घर पहुँच कर गया ने फिर वही रूखा सूखा भूसा डाल दिया। अरे फिर वही रूखा सूखा भूसा? हीरा, मैं भूखा रह लूंगा पर ये नहीं खाऊंगा। तभी एक छोटी सी लड़की दो रोटियां लिए निकली। तुमने कुछ खाया नहीं, ये लो तुम्हारे लिए रोटियां लाई हूँ।
वो लड़की भैरव की थी, उसकी अपनी माँ नहीं थी और उसकी सौतेली माँ उसे हमेशा मारते रहती थी। हर रात वही बालिका उन्हें दो रोटियाँ खिला जाती थी। इन दो रोटियों से उनका पेट तो नहीं भरता था, परंतु उनके दुखी मन को अवश्य शांत करता था। दोनों दिन भर खेतों में जाते और खूब डंडे खाते, फिर शाम को उसी स्थान पर बांध दिए जाते थे। हीरा और मोती की आंखों में और उनके रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। अब तो और सहा नहीं जाता हीरा। तुम करना क्या चाहते हो मोती? यही कि अपने सिंहों पर उठाकर पटक देना चाहता हूँ इस घर के मालिक को। अगर ऐसा करोगे तो वह प्यारी लड़की अनाथ हो जाएगी। बेचारी हमें रोटियां खिलाती है। ये उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। तो क्या मालकिन को फेंक दूं जो इस लड़की को मारते रहती है? नहीं नहीं, ऐसा भी मत करो। हीरा, तुम मुझे कुछ करने ही नहीं देते हो। अच्छा तो बताओ, रस्सी तुराकर भाग चलें? हाँ ये ठीक है मोती, पर इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? रात में छोटी बच्ची रोटियां खिलाने आती है। तुम दोनों चुपके से भाग जाओ, नहीं तो ये लोग तुम्हें मार डालेंगे। वे लोग तुम्हारे नाकों में नाथ डाल देंगे। मैं तुम्हें खोल देती हूँ, भाग जाओ। अरे भागो। अब चलते क्यों नहीं हीरा? भाग तो जाएंगे मोती, पर इस बच्ची पर संकट आ जाएगा, सब इसी पर संदेह करेंगे। अरे जाओ भागो। भाग हीरा भाग। दोनों बैलों को भगाने के बाद छोटी बच्ची बोलती है, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। दादा दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो, दोनों बैल भागे जा रहे हैं। गया ने दोनों का पीछा भी किया लेकिन पकड़ ना सका। हीरा और मोती भागते भागते रास्ता भटक जाते हैं। वे जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका पता नहीं चल पाया। नए नए गांव मिलने लगे। मुझे मालूम होता है हम रास्ता भूल गए हैं। हीरा, हमें उस आदमी को वही मार गिराना चाहिए था। नहीं मोती, वो अपना कर्तव्य भूल गया था, तो क्या हम भी अपना कर्तव्य भूल जाएं? हीरा, अब क्या करें? देखो भूख काफी लगी है, खेत में मटर की फलियां लगी हैं। पहले उसे खाते हैं और फिर सोचते हैं। पेट भर खा लेने के बाद दोनों ने आजादी का अनुभव किया और मस्त होकर थोड़ी शरारत करने लगे। तभी अरे ये क्या, कोई सांड हमारे ही तरफ आ रहा है। हाँ सांड ही है। ये तो घमंड में फूला हुआ है, हमारी आरजू बिनती भी न सुनेगा। चलो भाग चलते हैं मोती। हम कायर नहीं है हीरा, हम दोनों एक साथ उस पर वार करते हैं। मैं आगे से वार करता हूँ और तुम पीछे से करो, और कोई दूसरा उपाय नहीं है हीरा। ठीक है मोती। हीरा मोती ने संगठित होकर युद्ध लड़ा और कुछ देर के युद्ध के पश्चात दोनों ने दूर तक सांड का पीछा किया, लेकिन घायल सांड बेदम होकर गिर पड़ा। हमने इसे पछाड़ दिया है हीरा, मेरा जी चाहता है इसे मार ही डालूं। नहीं मोती, घायल शत्रु पर वार नहीं करना चाहिए। नहीं हीरा, दुश्मन को ऐसा मारना चाहिए कि फिर ना उठे। अच्छा अब यह सोचो कि घर कैसे पहुंचोगे। पहले कुछ और खा लेते हैं, फिर सोचेंगे। सामने ही मटर का खेत है। दोनों खेत में मटर खाने लगते हैं। तभी मोती, लगता है कुछ लोग हमें पकड़ने आ रहे हैं। और उन लोगों ने दोनों को घेर कर पकड़ लिया। जल्दी ही उन्होंने स्वयं को एक कांजी हाउस में पाया। वहाँ पहले से कई दुबले और डरे हुए जानवर बंद थे, पर किसी के सामने चारा न था। समझ में नहीं आता यह कैसा मालिक है। अरे इससे अच्छा तो गया ही था, कम से कम रूखा सूखा चारा तो देता था। अब और नहीं सहा जाता है मोती। चलो मिलकर दीवार तोड़ते हैं हीरा। मोती तुम तोड़ो, मुझ में अब दम नहीं बचा है। मोती दीवार तोड़ने की कोशिश करने लगता है। बाड़े की दीवार कच्ची थी। मोती अपने नुकीले सींग से दीवार पर वार करने लगा। तभी कांजी हाउस का चौकीदार उसे यह करते देख लेता है। अरे दीवार तोड़ता है, रुक अभी तुझे सबक सिखाता हूँ। और दोनों बैलों को डंडे से मार मार कर मोटी रस्सी से बांध दिया। क्या फायदा हुआ, मार भी पड़ी
और बांध भी दिए गए। मैं तो जोर मारता ही रहूंगा चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाएं। जान से हाथ धोना पड़ेगा। हीरा कोई परवाह नहीं, वैसे भी तो मरना ही है। सोचो अगर दीवार टूट जाती तो कितने भाइयों की जानें बच जाती। किसी की देह में जान नहीं है, दो चार दिन यही हाल रहा तो सारे मर जाएंगे। हाँ यह बात तो है। अच्छा चलो मैं भी जोर लगाता हूँ। 2 घंटे के प्रयास के बाद जानवरों के भागने लायक दीवार गिर गई। दीवार गिरते ही अधमरे से पड़े हुए जानवरों में जान आ जाती है। घोड़ियाँ, बकरियाँ और भैंसे सभी भाग जाते हैं, लेकिन गधे ज्यों का त्यों खड़े थे। तुम क्यों नहीं भाग जाते हो? अभी तो भागने का अवसर है। नहीं, फिर पकड़ लिए जाएंगे। हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे। आधी रात हो चुकी थी लेकिन गधे अभी तक सोच रहे थे कि भागे या ना भागे। अरे भाग! मोती ने सींग मार मार कर दोनों को भी भगा दिया, लेकिन हीरा बंधे होने के कारण भाग नहीं सकता था। मोती तुम भाग जाओ, शायद फिर कहीं और भेंट हो जाए हम दोनों की। हीरा क्या तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो? तुम्हें संकट में छोड़कर मैं भाग जाऊं? बहुत मार पड़ेगी मोती, लोग समझेंगे कि ये सब तुम्हारी ही शरारत है। मुझे मंजूर है हीरा, लेकिन मैं तुम्हें छोड़कर भाग नहीं सकता। हीरा भाग नहीं सकता। सुबह होते ही कर्मचारियों में काफी खलबली मच गई। मोती की खूब पिटाई भी हुई और उसे मोटी रस्सी से बांध दिया गया। दोनों 1 सप्ताह तक वहां बंधे पड़े रहे। चारे के नाम पर सिर्फ पानी दिया जाता था, इस कारण वे दोनों काफी कमजोर हो गए थे। तभी जानवरों की नीलामी हो रही थी, दोनों बैल बेचे जाने वाले थे। ये रहा बैलों का जोड़ा। अरे ये तो हड्डी का ढांचा मात्र रह गया है, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे यही चाहिए। दोनों बैल जान चुके थे कि वो आदमी उन्हें क्यों खरीद रहा है। नीलामी के बाद दोनों डरे हुए जानवरों को वो ले जाने लगा। गया के घर से हम बेकारी भागे थे हीरा, अब तो हमारी जान भी नहीं बचेगी, हमें मार दिया जाएगा। कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं। एक बार उन्होंने नन्ही लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब नहीं बचाएंगे? यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। तो क्या चिंता है, मांस खाल सिंग हड्डी सब किसी न किसी के काम आ जाएंगे। कई घंटों तक वे चलते रहे, तभी अरे ये सड़क जानी पहचानी सी लगती है मोती, गया इसी रास्ते से हमें ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव और वही कुआं। इसी कुएं पर हम लोग पुर चलाने आया करते थे। हमारा घर नजदीक आ गया है हीरा। दोनों की सारी थकान और दुर्बलता गायब हो गई और दोनों ने छटक कर रस्सी तोड़ दी। फिर बछड़ों की भांति घर की ओर दौड़े और इस तरह अपने घर पहुंच जाते हैं, जहां झूरी घर के पास धूप सेक रहा था। हीरा और मोती आ गए तुम? झूरी दौड़कर उसे बारी बारी से गले लगाने लगा। तभी दाढ़ी वाला खरीदार बैलों की रस्सियां पकड़ लेता है और कहता है, ये मेरे बैल हैं, मैंने इन्हें नीलामी में खरीदा है। अरे चुपके से चले जाओ, ये मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तब तुम्हारे होंगे। किसी को भी मेरे बैल नीलाम करने का क्या अधिकार है? मैं पुलिस को बुलाऊंगा। अरे जाओ, रस्सी मुझे दो। अरे जाओ, इस पर मोती ने भड़क कर उस पर सींग से वार किया और उसे मारने के लिए पीछा करने लगा। तुम बहुत पछताओगे, बचाओ बचाओ, मैं पुलिस को बुलाऊंगा, चोर डकैतू, बचाओ बचाओ। मोती ने उसे दौड़ाकर गांव से बाहर कर दिया और फिर विजयी भाव से वापस अपने घर की ओर लौट आता है। अब नहीं आएगा, और आएगा तो दूर से ही खबर लूंगा। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता, इसलिए कि हम इतने सीधे हैं हीरा। झूरी नादों में चारा पानी देकर दोनों को सहला रहा था, तभी झूरी की पत्नी दौड़ी दौड़ी आई। आ गए मेरे हीरा और मोती, और दोनों के माथे को चूम लिया।